हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के सामने मैं व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन और अबाउट मॉड्यूलेशन के बारे में बताऊंगा, और इसमें आपके कितने प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं ये आप लोग के सामने आज बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको इसके बारे में ये क्या क्या इनके क्या क्या काम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को डिस्क्राइब करूँगा। तो यहाँ पर बेसिक हम लोग फोकस करेंगे आज कि मॉड्यूलेशन क्या है, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है, और इनके कितने टाइप्स हैं यहाँ पर आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन आपकी मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वेरिंग वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक वेव फॉर्म इज़ कॉल्ड द कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेशन एक है क्या? मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपना जितने भी सिग्नल हैं वो सारे हम लोग पार कराते हैं। कि हम लोग मॉड्यूलेशन यूज़ जो होता है ये हमारे रेडियो वगैरह जितने भी होते हैं, सिस्टम होते हैं, इसमें हम लोग अपना जितने भी काम की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे कुछ भी बात हम लोग कर रहे हैं, कैसे हम लोग दूसरे जगह में पहुंचाते हैं, ये सारे बातें हम लोग दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए हम लोग फ्रिक्वेंसीज यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये रही बात मॉड्यूलेशन, ये हम लोग 20वीं शताब्दी में हम लोग इसका अपने उपयोग में हम लोग लाया। और इसमें तीन प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि कैसे हम लोग अपना जो वॉइस है उसको दूसरे जगह तक हम लोग पहुँचा सकते हैं। सेकेंड है, ये इसकी डायग्राम है कि कैसे हम लोग अपने सिग्नल्स को पहुंचाते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये सिंपल स्ट्रेट लाइन है जो कि सिग्नल लाइन है, और ऊपर ये जो अप डाउन जो आप देख रहे हैं ये सारी जितने भी हैं ये आपकी कैरियर है। ये आपकी जो मैसेज है, जो भी आप बात करते हैं या फिर कोई भी डाटा है, उस चीज़ को यहाँ से दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए ये इस फॉर्म में ये रहती है। और रहा बात इसके बाद कैसे हम लोग पता करेंगे कि हम लोग का जो डेटा है वो जाती है, ये है इनपुट मॉड्यूलिंग वेव। इसे हम लोग इनपुट कैसे हम लोग अपना जो डेटा है वो पार करती है या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाती है, ये इसका डायग्राम है कि कैसे सिग्नल्स पार करती हैं। तीसरे, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में कि कितने टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। ये यहाँ पर मॉड्यूलेशन में तीन प्रकार के मॉड्यूलेशन होती है। एक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दूसरी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और तीसरी है फेज मॉड्यूलेशन। पहले हम लोग जानेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है क्या। उसके बाद हम लोग जानेंगे फेज मॉड्यूलेशन, उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कि ये तीनों मॉड्यूलेशन काम कैसे करती हैं और कैसे हम लोग डेटा को इसमें एक जगह से दूसरे जगह में हम लोग लेके जाते हैं। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखिए कि एक जगह में एक लाइन ये जो जा रही है, यहाँ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव है। ये जो उतार चढ़ाव है, कोई भी सिग्नल जो ऊपर से नीचे जो आ रही है, ये इस प्रकार से आपकी जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। और आपकी जो सेकेंड आती है आपकी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, यहाँ पर देखिएगा एक साथ बहुत सारे अप डाउन जो होती है, यहाँ पर 0 और 1 की यूज़ होती है। जहाँ पर एक जगह में बहुत सारे अप डाउन्स जो आप देख रहे हैं, इसको सिग्नल कैरियर इसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आती है फेज मॉड्यूलेशन, जहाँ पर आपकी 0 और 1 काउंट होती है, और ये एक साथ बहुत सारे जो सिग्नल है वो कम टाइम में ये जल्दी पहुँचाती है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यहाँ पर आपकी ये डेफिनेशन दी हुई है, आप लोग लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज इनटू प्रोपोर्शन टू द मैसेज सिग्नल वेयर द फेज फ्रीक्वेंसी आर कीप कॉन्स्टेंट। यहाँ पर क्या है, देखिए कि ये एक प्रकार का मॉड्यूलेशन है जहाँ पर सिग्नल जो है वो सेम है, ये जो है सेम है, लेकिन इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो देखिएगा कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी जा रही है एक जगह में देखिए कांस्टेंट है, और दूसरी जगह में भी यहाँ से इस जो पोर्शन ये जो पोर्शन है ये भी कांस्टेंट है। तो वो हो गया आपकी फेज मॉड्यूलेशन।
आगे चलते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? इस मॉड इन मॉड्यूलेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल अल्टर द प्रोपोर्शन टू द मैसेज सिग्नल व्हाइल फेज एम्पलीट्यूड आर कीप कॉन्स्टेंट कॉल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ पर क्या होता है कि आपका प्रोपोर्शनली जो सिग्नल है वो फेज और एम्पलीट्यूड से ज़्यादा कॉन्स्टेंट होती है, मतलब एक एक जगह पे रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते, कहीं पर कम ज़्यादा, कहीं पर ज़्यादा कम, ये नहीं होती। ये एक मतलब जब ये पास करती है या ये जो सिग्नल है जब पास करती है वो कंस्टेंट रहता है, आपको मतलब हर टाइम वो उसका जो उतार चढ़ाव है ये ज़्यादा उतार चढ़ाव इसका होता है नहीं। यहाँ पर इसका जो मैकेनिज्म है देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक देखिए कांस्टेंट है ये, और ये जो एक जगह में बहुत सारे ये उतार चढ़ाव है इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज कैरियर सिग्नल इसको बोलते हैं। इस जगह में एक ही जगह में आपकी एक ही जगह में ये आपकी बहुत सारे उतार चढ़ाव है, और जहाँ पर देखिए ये हो गया आपकी 0, ये होगी 1, यहाँ पर फिर ये जाके यहाँ पर 0 होती है, फिर यहाँ से जाके फिर 1 होती है। ये जो जगह यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में 0 से 1, 1 से 0 जो हो रही है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव है, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।